नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए बुधवार की रात काफी परेशान करने वाली रही। बराक ओबामा, बिल गेट्स समेत दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने ब्लू टिक वाले सभी अकाउंट को बंद कर दिया। अकाउंट हैक होने के बाद सभी अकाउंट्स से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। फिलहाल इस मुश्किल को दूर कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बिटकॉइन और ये क्यों चर्चा में रहता है। दरअसल बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे सतोशी नकामोती ने 2018 में बनाया था। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सतोशी नकामोती कौन है, कोई इंसान है या संस्था कहाँ का है। इसे पहली बार साल 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है। भारत में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में लेन देन की इजाज़त दे दी है। मतलब साफ है कि भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है। अब आपको बताते हैं क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब ऐसी चीज जो रियल ना हो, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। ये सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। ये एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी जैसी स्थिति का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब उसकी वैल्यू $0 थी। साल 2010 में भी इसकी वैल्यू $1 तक नहीं पहुंची, लेकिन आज बिटकॉइन का रेट हजारों डॉलर में पहुंच गया है। बिटकॉइन के लेन देन का एक लेज़र बनाया जाता है। दुनिया में लाखों व्यापारी भी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी केंद्रीय बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। इंटरनेट की दुनिया में इसकी खरीद फरोख्त करने वाले कई एक्सचेंज हैं। क्रिप्टो करेंसी के कई फायदे भी हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डिजिटल करेंसी है, जिससे इसके गायब होने या चोरी होने का खतरा नहीं होता। बिटकॉइन में निवेश से लोगों को भारी मुनाफा होता है, लेकिन इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, इसलिए जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि ये वर्चुअल करेंसी है और यही इसे जोखिम भरा सौदा बनाता है। इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग्स सप्लाई और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त जैसे अवैध कामों के लिए किया जाने का डर भी रहता है। इस पर साइबर हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।